ई रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल, चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर, इन एसोसिएशन विद वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, दैनिक ग्रीन इंडिया, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। जिला पंचायत के चुनावी बिगुल बज चुका है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 18 डोलरी गांव के जिला पंचायत सदस्य बात करें कि ये जो कोरोना वायरस एक बार दुनिया और देश में अपने पांव पसार रहा है और कोरोना वायरस के साए में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव भी हो रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाजी इकराम वार्ड नंबर 18 से और ये जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के बैनर तले ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो बात करेंगे इनसे कि किन मुद्दों पे ये अगर चुनाव जीतते हैं, काफ़ी अच्छी तादाद में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है, अगर चुनाव जीतते हैं तो किन मुद्दों पर यहाँ पर कार्य करेंगे। गांव में जब हम घुसे यहाँ पर हमने देखा कि नालियों की बदहाली और गांव में जो है पानी भी भरा हुआ था, तो इस इन सब मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। हाजी इकराम जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जी, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ूंगा जो पिछले 10 साल से क्षेत्र के अंदर मैं सेवा कर रहा हूं अपने बड़े भाई शकील भारती जी और राजीव पुनिया जी के आग्रह पर और माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों पर जो है इस मुद्दों पर अखिलेश यादव जी की नीतियों के ऊपर जो है मैं विकास गाँव के अंदर करूँगा। मेरे गाँव की बदहाली, मेरे क्षेत्र की बदहाली और मेरे गांव के अंदर जो है कि इंटर कॉलेज जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था मेरे गांव के लिए, वो आज आधे में पड़ा हुआ है। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है तो मैं सबसे पहले अपने गांव के लिए, सबसे बड़ी शिक्षा का विकास होता है और शिक्षा में हम लोग जो है इस वजह से पीछे हैं क्योंकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है दूसरे गाँवों में जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए, वो प्रोटोकॉल, वो सुविधा नहीं मिल पाती हम लोगों को जो हमें मिलनी चाहिए। जब हम यहाँ पर गांव में घुसे, हमने देखा कि नालियाँ तंग गलियाँ हैं, वो छोटी छोटी गलियाँ हैं और नालियाँ भी काफ़ी हद तक भरी हुई थी और गांव में जब एंट्री ली तो एकदम तालाब से पानी लबालब भरा हुआ था जिसमें कोरोना वायरस चल रहा है और वैसे भी संक्रमण लगातार फैलते रहते हैं, डेंगू मलेरिया है ना, वहाँ पर जैसे पानी भरा हुआ है तो और लगातार वहाँ पर मच्छर भी पैदा होंगे और तमाम बीमारियों का वो घर बनेगा, तो उसमें भी कुछ कार्य करेंगे आप? नहीं, उसमें सबसे पहले जो है जिसे हमारे देश के अंदर महामारी की बीमारी, कोरोना की बीमारी है और इसमें जिला पंचायत से भी कहा गया है पहले वालों से, तो उन्होंने कहा है हमारे पास इसका कोई प्रावधान नहीं है, ताकि जब आदमी इतनी बड़ी कीमत पर वोट बेच दे तो गांव की जनता के लिए, जिस गांव की जनता के वोटों के आज हकदार हैं, उन गाँव की सुरक्षा के भी हम ही हकदार हैं, इसकी सफाई और सफाई का कार्य जो है हमें अपने ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी लेकर जो है कराना चाहिए, ताकि हमारे गांव के अंदर जो है महामारी और हमारे क्षेत्र के अंदर महामारी की बीमारी से हम आज़ाद रहें और बचे रह जाएं। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश होगा कि आप मुझे समाजवादी पार्टी के झंडे के तले, मैं हूँ समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है और आप मुझे कामयाब बनाइए और जो भी आपकी समस्या होंगी मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगा और भरपूर जो है अखिलेश यादव जी की नीतियों पर काम होगा। तो शकील भारती जी ने हमें बताया कि ये जो गांव की जो बदहाली है, जो पानी लगा भरा हुआ है और नालियों की भी यहाँ पर तंग गलियाँ हैं, नाली भी लगातार भरी रही हैं, तो इन सब मुद्दों पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ पर शकील भारती जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, पूर्व राज्य मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री के पद पर यहाँ पर हैं, यहाँ पर और शकील भारती जी, इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। ये चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यालय में बैठे हैं, तो बात करेंगे इनसे भी। जी, क्या कुछ कहना है आपका? ये सके हाजी इकराम कुरैशी जी चुनाव लड़ रहे हैं धोलडी गांव से। देखो, जिस तरह के हालात आज हिंदुस्तान में चल रहे हैं, इन लोगों का एक ही मिशन है जो भी ये फिरका परस्त ताकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ा के कैसे सत्ता में बने रहें। हमारा ये बहुत बड़ा कस्बा है, करीब 12-13 हज़ार की आबादी का गाँव है और इसी गांव का मैं रहने वाला हूं। मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की लड़ाई है ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। हमेशा सब वर्गों के साथ लड़ के, सब वर्गों के साथ रह के हमारे गांव में विकास हुआ है। कैसे ख़त्म करेंगे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई? ये तो सालों साल से चलती आ रही है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इस तरह से ख़त्म होगी कि आज हाजी इकराम को जितने 22 गाँवों के लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, हाजी इकराम
बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और मैं करीब 22-23 गांवों में घूम रहा हूं। मैं कहीं भी इस तरह की बात नहीं देख रहा। कल राजीव पूनिया जी के मैं गांव में गया था रघुनाथपुर में, किसी ने कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी। लेकिन कुछ फिरका परस ताकते हैं कुछ परसेंटेज में, क्योंकि उनका मिशन है मुसलमान को हिंदू से जब तक नहीं लड़ाओगे जब तक तुम सत्ता में नहीं बने रहोगे। आदरणीय अखिलेश यादव ने आप ये बताओ 108 एम्बुलेंस चलाई, उसमें कौन सा मुसलमान जा रहा है? हर वर्ग का आदमी जा रहा है। 100 डायल चलाई, योगी जी ने उसका नाम बदल कर 112 रख दिया। अगर आज उसको 100 डायल को आप डायल करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं। 102 महिला हेल्पलाइन चलाई कि अगर किसी को कोई बच्चे की दिक्कत है, परसों पीड़ा है, तो किसी भी जाति का किसी भी धर्म का आदमी फ़ोन करेगा तमाम उसके लिए वो एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। आदरणीय अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, तमाम वर्गों को लैपटॉप बांटे। साइकिल बांटी, तमाम सिरमुखों को हर वर्ग को जो है साइकिलें उन्होंने बांटी। तो उन्होंने हर सर समाज का काम करके आदरणीय अखिलेश यादव ने आज ये हिंदुस्तान में दिखा दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई किसी का नेता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। और ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को, ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को अपने आदेश से टिकट दे देना, गांव से लड़वा देना, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा देना, ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की बात है। और कल अगर ये हाजी इकराम जीतकर जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी बनते हैं तो मैं अल्लाह की रहमत से कहना चाहूँगा कि पिछली बार तो तुम्हारा भाई इसी गांव से मंत्री बना था, राजीव पूनिया मेंबर बने थे, और इस बार अगर जिला पंचायत के प्रत्याशी हाजी इकराम जीतते हैं तो गांव में शायद जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है ना इतना विकास हुआ हो जितना हाजी इकराम के हाथों से विकास करा दिया जाएगा। और आदरणीय अखिलेश यादव के विकास करेंगे। गुलाम साहब ने तमाम हमारे विधायक हैं जबरदस्त काम किया है पूरे क्षेत्र में। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि एक ही नारा, शांति विकास और भाईचारा, इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हाजी इकराम को जिताकर इंशाल्लाह जिला पंचायत में भेजेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारा किसी को हराने का मिशन नहीं है। कुछ लोग जो अपने आप को 5 साल से समाजवादी कह रहे थे, यहाँ बुलाते थे लोगों को और वहाँ बुला के कहते थे कि यहाँ समाजवादी पार्टी का मैं जो हूँ सदस्य हूँ, उस नाते जो है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन जब टिकट का नंबर आया तो टिकट पर आदरणीय अखिलेश यादव और जिला नेतृत्व ने, जय चौधरी राजपाल सिंह ने, उसी आदमी पर भरोसा जताया जो इसके काबिल था। जब वो इस काबिल हो जाएंगे तो हो सकता है कल उन पर भरोसा हो जाए, लेकिन आज की तारीख पर समाजवादी पार्टी का अगर भरोसा है वार्ड 18 में तो हाजी इकराम पर भरोसा है। तो हमारे ई रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल, चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर, इन एसोसिएशन विद वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, दैनिक ग्रीन इंडिया, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी।